हेलो दोस्तों, मेरे एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको मक्के के बारे में जानकारी दूंगा और कौन सी वैरायटी है, कौन सा बीज है और मक्के का कौन सा बीज सही होता है, ये आप देख रहे हैं। ये जो वैरायटी है 9140 डेकाल, इसको हम आपको इसका कवर अलग करके आपको दिखाते हैं। ये 9140 पे नहीं है दोस्तों, ये है NSG, ये NSG 9140 है, नेशनल सीड ग्रोथ। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर तक इसमें दाने हैं और इसके हम उसमें हम दानों के यदि काउंट करें तो 500 से 600 के बीच इसमें दाने होते हैं, जिसमें एवरेज नॉर्मली 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज आ जाता है। और आप इस पेड़ की मोटाई भी आप देख सकते हैं। और ये जो बीज है ये मिट्टी के अनुसार लगाया जाता है। और भी हम बता देते हैं, ये फसल पक चुकी है, फसल आने वाली है, कटने के लिए तैयार है। इसको जून लास्ट मंथ जून और जुलाई तक इसकी बोनी की जाती है। ये देखिए, आपके सारे भुट्टे आपको बिल्कुल एक से मिलेंगे क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से पके हैं, इसमें ऊपर तक दाने। ये जो गिल्ली होती है मक्के की ऊपर भुट्टे तक, वो खाली नहीं है, इसमें पूरा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बीज है, ये NSG का है 9140। और हम आपको दूसरी वैरायटी और दिखा देते हैं, इस साइड में है, ये डिकाल है 9126। और इधर ये है साइड में, ये NSG 9140 जो आपको दिखाया। और हम आपको बताते हैं, ये डिकाल 9140, और भी वैरायटी आती हैं, नहीं ये 9126 है, 9140 की भी वैरायटी आती है, वो भी डिकाल में ही है, जैसे 9190 NSG का है। ये देखिए, इस डिकाल में बस खासियत इतनी होती है कि इसके जो दाने हैं इसमें चमक बहुत बढ़िया होती है, बढ़िया अच्छी गुलाबी कलर में होते हैं, लेकिन चमक बहुत बढ़िया देता है। और आप देख सकते हैं इसमें भी ऊपर तक दाने हैं। अच्छी वैरायटी है ये डिकाल की 9126 है, ये डिकाल 9126 है और वो NSG 9140 है। आप देख सकते हैं बढ़िया, इसका जो पौधा होता है, पेड़, ये पतला होता है, ये बहुत ही ये पतला होता है, लेकिन इसमें जो भुट्टा होता है बहुत बढ़िया होता है। ये यहाँ पर बरसात में फसल बोई जाती है, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी है और कहीं कहीं पर हल्की पीली मिक्स है काली मिट्टी में। और इसके बाद हम आपको, अब यहाँ पर मक्के की कटाई शुरू हो चुकी है, हम आपको कटाई भी दिखाते हैं, इस तरह से भुंटे पकने के बाद काट लिए जाते हैं।